बड़ा अद्भुत लगा मुझे, इनफैक्ट काफ़ी सरप्राइजिंग लगा। जितना हम मुंबई शहर में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में क्राइम और ये हमेशा एक अलग सी धारणा दी जाती है उत्तर प्रदेश के बारे में, बहुत ज़्यादा, इतनी बड़ी आबादी है उसके बावजूद। लेकिन जब ये देखा कि इतना अच्छा नियंत्रण करने का एक कक्ष बना है पुलिस लाइन हेल्पलाइन का, तो मैं तहे दिल से साधुवाद दूंगा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग, मैं इस सरकार को, अखिलेश जी की सरकार को धन्यवाद दूंगा, आपके आईजी साहब को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने ग्रेट जॉब किया है। क्योंकि मैं गांव का हूं, मैं जौनपुर किराकत का हूं, मेरी माता पिता, हमारा परिवार, मैं जानता हूं हमारी महिलाओं के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, हमारी महिलाओं को कितना डर बचपन से ही रहता है मन में कि पुलिस थाना नहीं जाइए, कि कोई छेड़ रहा है तो सर नीचे करके चले जाइए, रिएक्ट मत करिए नहीं तो इज्जत चली जाएगी। तो अब इसमें इतनी सुविधाएं हैं कि आपकी आइडेंटिटी नहीं होती, आपको खाली 1090 में आपको फ़ोन करना है और आपको तुरंत आप वो जो विक्टिम है जो आपको छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है, या घर में है, परिवार में है, कभी कभी घर के परिवार वाले भी करते हैं, तो महिलाएं नहीं बोलती, दहेज से लेके भी शारीरिक भी बहुत सारे अत्याचार होते हैं, तो उसमें उनकी आइडेंटिटी छिपाए बगैर, बताए बगैर, और उस अपराधी को उसको सज़ा भी मिल जाती, पुलिस आके उसको उठा भी लेती है, और सब कुछ इतने आसानी से होता है, पता ही नहीं चलता कि कंप्लेंटेंट कौन है और क्यों, और उसको थाने में ले जाके उसको उसका सज़ा, और उसके बाद मैंने देखा कि 4.5 लाख, मतलब 4,30,000 से ऊपर लोग अभी तक उनका प्रॉब्लम उसमें 4,30,000 के मैटर सॉल्व हो गए, लोग खुश हैं। अभी हमने एक विक्टिम से बात भी कहा तो उसने कहा कि आई एम वेरी हैप्पी, बनारस की 18 साल की कोई लड़की थी, मुस्लिम लड़की थी, अभी हमारी बात हुई, शी सेड आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो ग्रेट, 1090 सुपर्ब है, लेकिन उत्तर प्रदेश को, मेरा उत्तर प्रदेश है जो, उसको ये सारे लोगों को, सारी महिलाओं को, बहन को, बेटियों को, बच्चियों को और पुरुषों को भी, सबको इसकी मदद लेनी चाहिए। और ये कहना दुनिया, हिंदुस्तान फिर छोड़ देगा कि उत्तर प्रदेश में क्राइम लेवल या वहाँ की पुलिस इस पर एक्शन नहीं है। तो जरा भी समझते हैं कि इसका एक्सपेंशन जो है खाली उत्तर प्रदेश में ना होकर ऑल ओवर इंडिया इसको होना चाहिए। ऑफ कोर्स यस, इसका ऑल ओवर इंडिया होना चाहिए, ताकि ये क्राइम लेवल पे जो हिंदुस्तान का नाम विश्व में, बलात्कारियों में सबसे ज़्यादा बलात्कार हिंदुस्तान में होते हैं पूरे विश्व में, तो वो कलंक हम लोगों पे से हट जाए। अच्छा सर, एक कॉन्सेप्ट जो हम लोग का शक्ति परी का, जो सर ने आपको बताया था विमेन पावर लाइन में, शक्ति परी जो कि स्कूलों, हाई स्कूल एंड से अबव स्टैंडर्ड्स में हर क्लास में हम लोग कम से कम 2 स्टूडेंट्स को, लड़कियों को पावर रेंजर बनाते हैं, और हमारा करीब 75,000 लोगों का इस साल इस ईयर टारगेट है उनको पावर रेंजर बनाएंगे, उनके फॉर्म्स हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, और उसका मेन उद्देश्य ये है कि वो हमारे लिए, हमारे और पब्लिक के बीच में एज ए लिंक काम करेंगे। कोई समस्या होती है किसी सोसाइटी में जहाँ पर वो लड़कियाँ हैं तो डायरेक्ट हमको अप्रोच कर सकते हैं। सर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा लगा। एक पावर भी आता है जब वो कार्ड भी, उसका आई कार्ड भी रहेगा तो शरीर में अलग ऊर्जा आ जाती है, एंड दे आर लाइक पुलिस, वो पुलिस वुमन की तरह रहेंगे, पुलिस फोर्स की तरह रहेंगे, इट्स अ ग्रेट थिंग। मतलब ये बहुत, जो भी आप लोग कर रहे हैं बड़ा सुंदर कर रहे हैं, मतलब मेरे पास आप लोगों को देने के कोई राय विचार नहीं है, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, हाईली इम्प्रेस। हम शूटिंग छोड़ कर आए हैं लेकिन मन जरा भी इतना बढ़िया लगल हो यहरा से, मतलब कि हम दिल से कहते हैं कि महादेव का आशीर्वाद रहे, बाबा विश्वनाथ का, हम शिव भक्त है, यह कहा कि अब क्यों ना कही कि जिंदगी झंडबा।